Du. ये क्या है भैया? ये कैक्टस है क्या? मैंने कितना क्लीन कर दिया। दूर रहा तो दे दो मुझे इसका। बाहुबली बाहुबली हूँ मैं। नहीं वो कौन सा डायलॉग है? ये देखो राइट 3 बज गए ना, 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। This is second vlog of 2020. So welcome back to our lifestyle. And कैसे हैं आप सब? कैसे जा रहे हैं आपके न्यू ईयर के बाद वाले दिन? And आज है 7 7 7 एक मिनट हाँ। Sorry, आज है 7 जनवरी और मैं गई थी थोड़ा सा ये सामने वाला एक डोर है ना वो खोलने के लिए, क्योंकि घर पूरा मोस्टली खाली है, चीजें कम है। तो जब मैं बोलती हूँ तो इतनी तेज आवाज आती है ना कि मुझे ही लगता है कि यहाँ तो मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ क्या। तो मैं सोचती नहीं, आवाज बहुत ज्यादा ही हो रही है। एंड सेकेंड थिंग, मेरे पुराने घर में मैं हमेशा कैमरा लेके वहां भागती थी जहां पे हाँ यहाँ पे मैं सेट करती हूँ। अभी मुझे प्रॉपर मेरी शक्ल भी दिखाई दे रही है, मैं बात भी कर पाऊंगी, यहाँ पे नॉइस भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है नॉइस का, क्योंकि जो रोड से गाड़ियों की आवाज आती है ना, अगर मैं खोल के बैठ के थोड़ी भी बात करने लग जाती हूँ तो मुझे ही पता नहीं होता है कि मैंने क्या बोला, क्या बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल मिसगाइड हो जाती हूँ वहां से। तो बस एक यही ड्रॉबैक है। अदरवाइज अगर मैं रोशनी की बात करूं तो कहीं भी कैसे भी खड़े हो जाओ, मतलब लाइट भर भर के लाइट है। और सबसे ज्यादा है ये जो व्हाइट कलर है ना पूरे घर में, आई लव, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पसंद है। कलरफुल फर्नीचर हो, व्हाइट ऑफ व्हाइट हो, बट इसे मेंटेन करना लिटरली यार इस रोड के साथ बहुत ही मुश्किल है। अभी मेरे पास सामान इतना नहीं है, उसके बाद भी अगर मैं बोलूं तो कल आप जिसने भी देखा है मेरा इससे पहले वाला व्लॉग, दिन भर पूरे दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग सफाई और ये सब करी थी, इसलिए कि नेक्स्ट डे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी, कोई काम नहीं होगा। तो वो उस चक्कर में मैंने किया था, बट स्टिल आज फिर वही सेम काम सेम चीजें स्टार्ट हो गई, क्योंकि पता नहीं कहां से धूल आती है इतनी, मतलब परेशान हो गई हूं मैं डस्ट से। यहां पे भी और दिल्ली में भी सेम प्रॉब्लम थी, चेन्नई में इतना नहीं था, मैं कम धूल वूल रहती थी। आई थिंक वो जो था ना वो रोड जो नॉर्मल चलता हुआ था। एंड आज मैं जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कितने बजे स्टार्ट कर रही हूँ, 3 बज गया है, मेरी घड़ी में सेल डल गया है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको टाइम। ये देखो राइट 3 बज गए ना, 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। और अभी अगर आपको लग रहा है कि मैं लाइनर वाइनर लगा के क्यों घूम रही हूँ, तो वैसे मुझे मेकअप करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर वो यार डेली नहीं हो पाता इतना। कहीं जाना हो तो मजा आता है मेकअप करके घूमने में। तो अभी मैं गई थी, आज मॉर्निंग में एक जगह मैं गई हुई थी, वहां से आई हूं मैं 2 बजे, और ब्रेकफास्ट काइंड लंच मिक्स था मॉर्निंग में, 10:30 बजे थोड़ा हैवी खा लिया था। एंड अभी हमने कुछ भी नहीं खाया ना, तो मैं वही ये वाला जो सेक्शन खोल के आप देख रहे थे ना इतने सारे, क्योंकि मैंने अभी इन्हें डब्बे एक्चुअली ये जो किचन के जितने भी डोर हैं ये हाइड्रोलिक हैं, नहीं सॉरी, मतलब ये नॉइस करता ही है, ये वाले नहीं करते, ये वाला नॉइस करता है। मैं 3 मिनट ट्राई कर चुकी हूं, दूसरा चेक करती हूँ। थोड़ी सी नॉइस करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी अपना फेवरेट वाला सेक्शन खोल के देख रही थी कि मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा। तो मैं खा रही थी थोड़े से वेफर्स,
बट मैं यार अभी इतना भी अवॉइड करना चाह रही हूँ, अवॉइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब तक कि प्रॉपर ग्रोसरी ना हो घर में तब तक कुकिंग नहीं हो सकती। सो अभी यहाँ पे कुछ तो है कि इनकी गाड़ी जो मतलब जो डिलीवरी वाला वैसा सामान है ना वो मुझे रूम तक रिसीव नहीं हो रहा है। कल जब वो आया था तब मैं घर में नहीं थी तो इसकी वजह से मैंने नहीं ले पाई, एंड आज बोला है कि 5:30 के बाद आएगा वो। आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा। तो यार बड़ी मुश्किल है, भूख तो लगती है, खाना तो खाना है, तो घर में खाओ या बाहर। देन इसके बाद मैं नए साल में एक चैलेंज तो करने वाली हूँ, वो आपको पता चलेगा वो जब भी स्टार्ट होगा। अभी मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ उसको लेके क्योंकि अभी हो ही नहीं पा रहा है। जब भी होगा तो आई थिंक मैं 10 to 15 days एक चैलेंज लूंगी हेल्दी मील का और फिट रहने के लिए, डाइट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, सब कुछ। तो जिसको भी वेट लॉस करना है मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कर लेना, हम मिल मिल के कर लेंगे। मुझे देख देख के आप लोग भी इंस्पायर हो जाओगे, अभी मुझे देख के खाने के लिए इंस्पायर हो आप, क्योंकि सिर्फ आजकल जो मेरा चल रहा है वो बाहर का खाना। और इतने टाइम से इसलिए भी ब्लॉग नहीं आया क्योंकि काफी सारे काम हो रहे थे बैक टू बैक, तो वो चल रहे थे एंड मैं शुरू हो गई हूँ बोलने के लिए काफी सारा, तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि जो एक दो चीजें हैं। एंड आज है ट्यूजडे, यस आज ट्यूजडे है। हेलो, ये देखो क्या हालत हो गई बेचारी की, पतला हो गया। मैंने इसको वॉश किया है, ये मेरा बहुत ही पुराना सा टेडी बियर है, सारा कुछ आया या ना आया ये जरूर आ गया साथ में। तो मैंने इसको किया था मशीन में कल वॉश, तो इसका ये सारा निकाल के मैं इसको कई बार इसको धो चुकी हूँ, मैं धो देती हूँ कभी भी पानी में डाल के हाथ से, तो ऐसे तो ये नहीं भूली, बाकी की चीजें मैं भूल के आ गई, मतलब जरूरत की चीजें भी लेके नहीं आई हूँ, बट ये आ गया मेरे साथ। तो इसको सूख गया है तो सोच रही हूँ इसको जरा मोटा कर देती हूँ, मैं वो करने बैठी हूँ। और अभी 3:30 बज गया है और मुझे भूख भी बहुत ही जोरों वाली लग रही है, पर सोच रही हूँ यार नीचे से ही कुछ मतलब मंगाना नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, तो वो देखती हूँ मैं। और भूलने से मुझे याद आया, भूलने के पीछे है ना बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। जैसे कि किसी की बर्थडे डेट हो गई, उस टाइम पे है तो सबके साथ सेलिब्रेट हो गया तो ठीक है, बाद में एक क्योंकि अभी क्या है ना मैं हॉस्टल में रहती थी जब हो गया आज से 4-5 साल पुरानी बात है, तब मैं हॉस्टल में रहती थी, सबके बर्थडे वर्डे में मैं खूब इन्वॉल्व होती थी, एंजॉय करती थी, लोगों को हैबिट के बारे में तो पता नहीं होता। देन अभी वो मेरे बर्थडे में विश करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमारे बर्थडे में करेगी, तो भाई मेरे इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं रहता पर मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है। जब निकल जाता है या कोई पोस्ट डाल देता है तब मुझे याद आता है ओ ओके इसका बर्थडे था, तब मैं विश कर देती हूँ और विश के साथ मैं गालियां भी सुनती हूँ कि भूल गई थी, क्या कर सकते हैं यार। जल्दी जल्दी इसको भर भरा के निकलती हूँ मैं। तो मैं जो भी काम कर रही थी वो करके अभी मैं हो चुकी हूँ फ्री और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर। ये मैंने सेम कपड़े पहने हैं क्योंकि यही पहन के मैं मॉर्निंग में भी गई थी, इसमें मुझे इयरिंग भी चेंज नहीं करने पड़े थे। तो मैं निकलती हूँ, बाहर हो रही है धूप हो रही है अच्छी खासी, और एक तो मेरी बहुत ही गंदी सी आदत है, मैं एक पूरा दिन घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे से रहा ही नहीं जाता है। शाम होते होते वैसे तो मैं अभी आई हूँ, बिल्कुल मूड नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ यार मॉर्निंग से, बट ठीक है जाती हूँ, देन कुछ खाती हूँ, मुझे भूख भी बहुत तेज वाली लग रही है। और मैं आसपास एक कोई भी सब्जी या वैसी कोई शॉप होगी वो भी नीचे गार्ड से पता कर लूंगी। एटलीस्ट मैं प्लान कर रही हूँ आज शाम को कुछ हेल्दी सा घर में ही बना लूँ, प्लान कर रही हूँ। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ कि मैं बना पाऊंगी या नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ पे कि सब्जी कोई स्टोर है भी या नहीं है, तो वो मैं जाके अभी पूछते हुए जाऊंगी, देन कुछ खा के आऊंगी। 3:45 हो रहा है बेसिकली, 4 बजने वाले हैं। सो चलो चलते हैं एंड आते हैं फिर, लेट्स सी इवनिंग में क्या करना है।
चाट टिक्की और मैं खा के पता करूंगी यहाँ पे एक शॉप है सब्जी की, बताया मुझे, तो मैं देखती हूँ वहाँ पे क्या मिलता है मुझे, अगर कुछ मिलता है तो थोड़ी बहुत कुछ लेके निकलूंगी घर। जा रही हूँ, ये सामने एक शॉप है, यहाँ पे बोला है कि मिलती है सब्जियाँ, देखती हूँ। और यहाँ इतनी ज्यादा धूल होती है ना, आज ही मैंने हेयर वॉश किया और मैंने तुरंत बाल बांधे, बाल खोल के जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, एक बार नहीं और धूप, वाओ अच्छी। तो चलो देखती हूँ, अगर मिल जाता है तो मजे आ जाएंगे। ये क्या है भैया, ये कैक्टस है क्या? तो ये इंडोर में ही आएगा? कितने का रेड वाला? ये 600। ओह, तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर, 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और ढूंढने निकलो तो क्या नहीं मिल सकता है, वही बात है, बस थोड़ी सी मेहनत हो गई मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जो मुझे डायरेक्शन, उन्होंने, एक सेकेंड मैं फिर से डोर खोल लेती हूँ, थोड़ा ज्यादा वॉइस है ना, बहुत ही तेज सुनाई देती है मुझे, बहुत ही तेज, और कहीं लगता है मुझे आपको सुनाई ना दे रहा हो। बाहर बहुत ही अच्छी वाली धूप है आज, और मुझे मिल गई है कुछ सब्जियां, तो होपफुली आज मैं कुछ कुकिंग कर सकती हूँ। तो मैंने अभी बहुत थोड़ी सी ली क्योंकि मुझे लेके आनी थी, सबसे अच्छी बात की वो होम डिलीवरी भी करते हैं, तो मैंने उनका कार्ड ले लिया है, नेक्स्ट टाइम ऑर्डर कर सकती हूँ। तो मैंने ले लिए हैं मशरूम, टोमेटो, कोई काम सीधा नहीं होता मेरा, कोई काम, हे भगवान राम जी। टोमेटो ले लिया है मैंने 1 kg अराउंड, पोटैटो वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है, तो ये लिया है मैंने, कुकम्बर, बनाना, ऑनियन मैंने, पता है लास्ट आई थिंक 2 महीने हुए मुझे, 2 महीने से यानी मैंने सब्जी खरीदी ही नहीं, घर जाती थी तब मुझे पता चलता था, बीच में प्याज बहुत ही महंगी है, रेस्टोरेंट होटल्स में तो उसी फेज में मिलता है तो इतना पता नहीं चलता, खराब है ये टमाटर, देखो सब्जी बड़ी फ्रेश थी, अच्छी थी, तो उसके बाद मैंने आज खरीदी है प्याज यहाँ पे, और ये कितने की है पता नहीं मुझे, बिल कहीं रख दिया मैंने, पता नहीं मुझे कि महंगी है कि सस्ती है, ये कुछ पता नहीं, ये तो मुझे पे का बिल है बट वो मुझे नहीं मिल रही रहा है। और मैंने लिया है कोरिएंडर, ग्रीन चिली, तो ऐसे करके ये मैंने ले लिया है, अब शाम को होगा कुछ तो हेल्दी सा, अब तो हो ही जाएगा, अब आ गई है मेरे पास चीजें, सो डोंट वरी, कुछ अच्छा सा बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी, अगर अच्छी हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर अभी मैं जा रही हूँ 10 मिनट शांति से लेटने, नींद नहीं करूंगी, बस लेटूंगी 5-7 मिनट, क्योंकि सुबह से भाग रही हूँ, आज मैंने मेडिटेशन भी नहीं किया था, आज मैंने नहीं किया था यार, मॉर्निंग से गई थी तो नहीं किया, तो अभी मैं जाती हूँ लेटने, देन उठ के करूंगी अपना मेडिटेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, मेडिटेशन वन ऑफ द बेस्ट थिंग, अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, वो वाली चीज है। और मैं सीरियसली पर्सनली ये चीज फील करती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा कोई नेगेटिव बोल दे या आप अपसेट हो या कोई कुछ बोल दे ना तो बस दिल दुख जाता है यार, मैं बहुत ही इस मामले में मैं बहुत ज्यादा कमजोर दिल की लड़की हूँ ऐसा बोल सकती हूँ, मुझे बहुत जल्दी फील होती है किसी की भी कोई बात कोई बोल दे तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, सबके साथ ही होता होगा, मुझे क्या हर्ट होता है, लेकिन जब मैं मेडिटेशन रेगुलर होता है, लाइफ स्टाइल अच्छी कर रही होती हूँ तो डजंट मैटर, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने किसी ऐसे काम में बिजी हो जो आपको हैप्पीनेस देता हो, जो करके आपको मजा आता हो, हाँ और क्या यार, एक लाइफ मिली, मस्त एंजॉय करो, खाओ पियो और जो भी जिसे करना है वो करो। नए साल में थोड़े प्रवचन हो गए, चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, जाके 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, वरना मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे, फिर हम दोनों जो बातें करने बैठते हैं ना कि बस। और मुझे आज ट्यूजडे है, टेम्पल का भी प्लान कर रही हूँ, यहाँ पे आसपास कोई टेम्पल काफी दूर है, यहाँ पे होगा मुझे पता नहीं है, सो बाय बाय, वरना मैं कुछ ना कुछ याद आता रहेगा, मैं कुछ ना कुछ बकती रहूंगी यहाँ पे, बाय। नो बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में इवनिंग डिनर के साथ, और आज अच्छे वाले डिनर के साथ।
तो यहाँ पे जब भी मैं मशरूम यूज करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मशरूम है, इसे अच्छी तरह से मैंने पानी से वॉश कर लिया है, थोड़ा सा ड्राई आउट भी हो गया है, देन इसके नीचे से हल्का सा इसे इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से, नाइफ से, स्पून से, किसी से भी हल्का सा पुल करना है। देन इसके बाद ये ऊपर जो भी होता है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये जो मशरूम है ये बिल्कुल फ्रेश लगता है और आई थिंक ये जो भी गंदा वंदा होता होगा ये पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो एक ये मेथड है, आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसे अपने मशरूम जब भी आप यूज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं, नेल से भी कर सकते हैं अपने। कल आप ब्लैक पहनते थे, आज आप व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। हम ब्लैक एंड व्हाइट ही करते हैं। हम ब्लैक एंड व्हाइट क्या ढूंढ रहे? देखो 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 दिखाओ। आज इसका मैंने मेकअप किया है, ये नहा धो के खुश लग रहा है ना, साफ सुथरा सा। मेरे बालों से मेरी हालत का अंदाजा मत लगाना, मैं बहुत फ्रेश हूँ। एक्चुअली कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था ना कि बाल देखो इनके, इससे पता चलता है कितनी थकान है, और फिर बोला था देखो क्या ऋतिक रोशन के कम हो क्या, तो इसलिए आज ही वाला डायलॉग आया है। तो अभी हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अपनी चाय, और आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे, थोड़ा भी है ना, आज हम नहीं कुछ भी नहीं खाएंगे। चलो घर जाके आपके साथ एक रेसिपी सी मैंने शेयर करूंगी, मैं हेल्दी शुरू करते हैं यार, हम नए साल में लोग करो और क्या, आलसी होती जा रही हूँ खाना बनाने में, खाना बनाया जाए। ब्लॉग को एंड किया था, एंड आज भी मैं यहीं से अपने ब्लॉग को
एंड कर रही हूँ और कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। एंड अभी जो मैंने रेसिपी बनाई है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, अगर तो वेट लॉस करना है तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ इसमें आप काफी सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे कि विंटर चल रहा है तो सीजन है अभी, आप इसमें मटर डाल सकते हो, जो भी आपके मनपसंद कैरेट है, जो भी आपको लगता है वो सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास बहुत ही लिमिटेड थी तो मैंने वही डाला और खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी थी, कोई मसाले नहीं है। और ऊपर से जिन्हें कच्चा ऑनियन पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने लास्ट में मैंने वो लिया नहीं, थोड़ा सा प्याज रफ ऐसे फाइन चॉप करके ऊपर से डाल के, वो खाने में और भी अच्छा लगता है और प्याज तो फायदा ही करता है, तो वो भी खाया मैंने अभी। तो थोड़ी सी ठंड हो जाती है इस टाइम तक। और अभी जस्ट मैंने फिनिश किया है अपना डिनर और जो टाइम हो रहा है वो 10:30 अराउंड हो रहा है, लेट हो गया एक्चुअली, हम लोग बाहर चले गए थे इसकी वजह से लेट हो गए हैं, अदरवाइज थोड़ा जल्दी हो जाता है। पहले जो था ना, पहले हम लोग 6:30-7 बजे तक अपना डिनर कर लेते थे क्योंकि ये आते थे ऑफिस से और सीधे हम डिनर करते थे। एंड आप देख सकते हो सुबह से निकली हूं ना मैं जो 9-10 बजे से, तब से अभी तक मुंह धोने का टाइम नहीं है, मैंने अपने फेस में पानी भी नहीं मारा है। एंड अब मैं जा रही हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करने, थोड़ा सा वॉक करूंगी, हो सकेगा तो चली जाऊंगी, 2-4 चक्कर मार के आ जाऊंगी, एटलीस्ट स्टार्ट होगा। और बस सो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको करना है एक लाइक, आपका एक लाइक जो है ना वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर कर सकते हो वीडियोस। सो मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। हाँ फोन है किसी का, इस टाइम होता है तो पूरा फ्लो ही खराब कर देते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।